Namaste and welcome back to our YouTube channel. I am Sakshi Jain and in today's video I am going to talk about medical colleges of Rajasthan. But before getting into this video, make sure to like, share and subscribe and hit the bell icon to not miss any updates from our YouTube channel. So NEET PG 2022 का रिजल्ट आ चुका है और अब काफी सारे बच्चे जो हैं वो अलग अलग कॉलेजेस देख रहे होंगे कि उनको उनके कट ऑफ के बेसिस पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है या फिर कौन से कॉलेज की कितनी फीस है, कौन सी स्पेशलिटी में एमडी या एमएस ऑफर करता है। इसलिए मैं उस बात को ध्यान में रखते हुए यानी कि नीट पीजी को ध्यान में रखते हुए जितने भी कॉलेज लेके आ रही हूँ उसमें सिर्फ एमडी और एमएस कोर्सेज पे फोकस कर रही हूँ। इसके पहले मैं महाराष्ट्र के कॉलेजेस डिस्कस कर चुकी हूँ जिनमें मैंने उसके कॉलेजेस बताए थे। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी थे, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी थे जो एमएस और एमडी के कोर्सेज ऑफर करते थे। आज मैं राजस्थान स्टेट के बताऊंगी कॉलेजेस, इसमें भी कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मिक्स कॉलेजेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो नंबर वन पे जो कॉलेज है वो है एम्स जोधपुर, जो एस्टैब्लिश हुआ था ईयर 2012 में, यानी कि 2012 में, गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर हम बात करें एमडीएमएस प्रोग्राम की तो ये ऑफर करता है एनेस्थियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी एंड वेनरोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन और पूरे कोर्स की लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर टू पे कॉलेज है सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज, जो एस्टैब्लिश हुआ था ईयर 1947 में। ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर हम कोर्सेज की बात करें कि किन किन स्पेशलाइजेशन में ये एमएस और एमडी ऑफर करता है, तो ये ऑफर करता है एमडी ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी में, देन डर्मेटोलॉजी, वेनरोलॉजी एंड लेपर्सी में, फार्माकोलॉजी में, देन साइकाइट्री में, रेडियो डायग्नोसिस में, फिर जनरल मेडिसिन में, पीडियाट्रिक्स में। अगर एमएस प्रोग्राम की बात करें तो जनरल सर्जरी, ईएनटी और ऑर्थोपेडिक्स में ये ऑफर करता है। कंप्लीट प्रोग्राम की लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ईयर 2021 में जो कट ऑफ गया था डर्मेटोलॉजी से जनरल कैटेगरी के लिए वो था 6032 रैंक, यानी कि क्लोजिंग रैंक थी। नंबर थ्री पे है सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर, जो एस्टैब्लिश हुआ था ईयर 1959 में। ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर हम बात करें एमडी कोर्स की तो ये एमडी ऑफर करता है एनेस्थीसिया में, देन बायोकेमिस्ट्री, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहीमेटोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, और आप कोर्स की पूरी कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। एमएस कोर्सेज में ये एनाटॉमी, ईएनटी, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में ऑफर करता है। कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो लास्ट ईयर कट ऑफ था वो था 23,823 डर्मेटोलॉजी के लिए भी। नंबर फोर्थ पे है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा, जो एस्टैब्लिश हुआ था ईयर 1992 में। एमडी प्रोग्राम की बात करें तो ये ऑफर करता है एमडी इन न्यूरोलॉजी, एनेस्थीसिया, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, और आप पूरे कोर्स की लिस्ट यहाँ देख सकते हैं। देन एमएस की बात करें तो ये ऑफर करता है एनाटॉमी, ईएनटी, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स में। कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का डर्मेटोलॉजी के लिए वो था 10,605। नंबर फिफ्थ पे है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर, जो एस्टैब्लिश हुआ था ईयर 2000 में। कोर्सेज की बात करें तो ये ऑफर करता है एमडी इन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, और आप पूरी लिस्ट यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं और आप अपने पॉज करके कोर्स देख सकते हैं कि आपके डिजायर कोर्स में ये एमडी ऑफर कर रहा है कि नहीं। एमएस कोर्स की बात करें तो ऑप्थल्मोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में ये ऑफर करता है। इसके अलावा पूरी लिस्ट यहाँ देख सकते हैं। कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी से जो जनरल सर्जरी के लिए कट ऑफ गया था वो था 87,628 मार्क्स। नंबर सिक्स पे जो कॉलेज है, और इन केस अगर मैंने मेंशन नहीं किया हो तो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है वो प्राइवेट कॉलेज है। देन नंबर सिक्स पे जो कॉलेज है वो है पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उदयपुर, ये भी प्राइवेट कॉलेज है जो एस्टैब्लिश हुआ था ईयर 2014 में। ये एमडी ऑफर करता है एनेस्थियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, देन रेडियो डायग्नोसिस, पैथोलॉजी में, देन एमएस ऑफर करता है जनरल सर्जरी, ऑप्थल्मोलॉजी और ऐसी कई फील्ड में जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर सेवन्थ पे जो कॉलेज है वो है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो एस्टैब्लिश हुआ था ईयर 2008 में। ये भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। अगर हम कोर्सेज की बात करें कि कौन कौन से कोर्सेज में एमडी और एमएस ऑफर करता है, तो ये ऑफर करता है एमडी एनेस्थीसिया, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, देन जनरल सर्जरी, और कंप्लीट कोर्स लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एमएस प्रोग्राम में ये ईएनटी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी और डर्मेटोलॉजी में ये ऑफर करता है।
जो नंबर 8 पे कॉलेज है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च जयपुर, जो एस्टैब्लिश हुआ था ईयर 2004 में। कोर्सेज की बात करें, उसके पहले मैं बताना चाहूंगी ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है। कोर्सेज की बात करें तो ये ऑफर करता है रेडियो डायग्नोसिस, डर्मेटोलॉजी एंड लेपर्सी, देन जनरल मेडिसिन, ऑप्थल्मोलॉजी, एनेस्थेसिया, ईएनटी, साइकाइट्री, इमरजेंसी मेडिसिन, पैथोलॉजी, और कंप्लीट लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में राजस्थान स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। मैंने इस वीडियो में कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी रखे हैं, बट कुछ प्राइवेट कॉलेज भी रखे हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि मुझे हर कॉलेज पे इंडिविजुअल वीडियो बनाना चाहिए, उनके कट ऑफ के बारे में, फी स्ट्रक्चर के बारे में और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहूँगी, तो हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।